ओके तो आ गए आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ और आगे के रूल्स। अगर इसकी पहली वीडियो की बात करें तो हम लोगों ने बात किए थे कुछ मेथड्स के ऊपर, जिसका नाम था इंस्पेक्शन मेथड और सेकंड वन इज होमोजीनियस होमोजीनियस मेथड। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को देख लिया है तो हम लोग शुरू करेंगे, और अगर नहीं देखा है तो देख लो, उन वीडियोस के आधार पर ही इस वीडियोस को बनाया जा रहा है, क्योंकि उस वीडियोस में हम लोगों ने जो बात किए थे उसकी आगे की बात करने वाले। जस्ट स्पीड में क्विक रिवीजन लेंगे कि हम लोगों ने इसकी पहली वाली वीडियो में बात क्या किए थे। हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई इक्वेशन अगर डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आता है, मतलब ये कि अगर वो इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होता है तो हम लोग कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कुछ मेथड के ज़रिए उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देन सबसे पहला हम लोगों ने मेथड देखा था इंस्पेक्शन मेथड, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिससे आपको समझ में आ गया कि उसकी प्रोसेस क्या होंगी उसको नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाने के बाद। देन फिर हम लोगों ने बात किया कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किस फॉर्मूले से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जब वो mx plus ny is equal to 0 है, और अगर वो mx plus ny is not equal to 0 है तब, और जब अगर वो mx plus ny is equal to 0 है तो उस कंडीशन में उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, तो आप लोग जाके आई बटन में क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे अगले मेथड, मतलब दो हो गए थे, ये हमारा तीसरा, और जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब एक फॉर्म का इक्वेशन होगा ऑफ द फॉर्म, जिसको हम लोगों को बताना है कि उसको कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है mdx plus ndy is equal to 0, और इस थर्ड वाले फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक फॉर्म में इक्वेशन रहेगा जो है इज yf1x, ydx plus xf2x(y,dy) is equal to 0, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन रहा, ये इज नथिंग बट mx plus ny and सॉरी mx सॉरी mdx plus ndy is equal to 0। यहाँ पर m की वैल्यू अगर देखें हम लोग तो ये इतनी हो जाएंगी, n की वैल्यू हो जाएंगी इतनी, और इस फॉर्म में ही ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर इस टाइप में या इस फॉर्म में, मतलब कोई y का टर्म किसी फंक्शन ऑफ x इंटू y, एक्स इंटू वाई से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग उसको कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व करते हैं, और इसमें एक मेन कंडीशन ये है कि ये जो एक्स इंटू वाई है ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही होना चाहिए, है ना। तो इसमें कुछ कंडीशंस है, वो है फॉर अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो फॉर्मूले से निकालेंगे इज mx माइनस ny, और प्रोवाइडेड, मतलब जो कंडीशन होंगी वो होंगी ये जो mx माइनस ny है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, और हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। देन हम लोग उसका बहुत ईजी तरीके से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ठीक है, इसके पहले भी आपने यही बोला था कि अगर mx plus ny is not equal to 0 है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे,
लेकिन अगर ये mx minus ny इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया कहीं पर, तो हम लोग कैसा करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग उस टाइम में, क्या करेंगे देखो, हम इसको इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। ये हो जाएगा m by n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y by x, है ना। तो m dx प्लस n dy में अगर इसको हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा m by n dx प्लस dy इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा y by x dx प्लस dy इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं इज अ dx by x प्लस dy by y इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये प्लस में है तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं log c। तो अगर किसी टर्म में या कहीं पर अगर हमको mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो दिखता है तो हम लोग जो हमारा सॉल्यूशन होगा जनरल वो होगा ये, और अगर एम एक्स माइनस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो हम लोग फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकाल के उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे लिए इस कंडीशन में जो m की वैल्यू होंगी इस फॉर्मूले से वो होंगी m इज इक्वल टू y f1 x comma y और n इज इक्वल टू ये हमारा x f2 x comma y। कंडीशन ये है इसमें कि ये जो x y होगा ये इनटू में होगा। एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि किसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, इसको ये इसका एग्जांपल भी हो जाएगा, उसको हम सॉल्व भी कर लेंगे इस फॉर्म से, है ना। तो एक ये हो गया एक हमारा एग्जांपल जो कि एक्स वाई सॉल्व एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई भी है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई भी है, एक्स वाई है और एक्स इंटू वाई, मतलब ये जो एक्स वाई है वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होना, मतलब ऐसा नहीं होना कि यहाँ पर एक्स ही है, नहीं, एक्स के साथ एक्स वाई भी होना। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग अगर इस m की वैल्यू निकालेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा y एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। एक मिनट फ्रीज बन के फ्रीज बंद करके आता हूँ। ओके तो यहाँ पर हमारी जो m की वैल्यू होंगी वो होंगी m इज इक्वल टू y एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू हो जाएंगी x एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। तो अगर हम लोग देखो, हमको तो पता है कि ये जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको ये डेल एम बाई डेल एन इज़ नॉट इक्वल टू डेल एन बाई ज़ीरो ही मिलेगा। तो हम लोग इस फॉर्म के जरिए अगर जाते हैं तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो इससे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इज़ वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा ये, और हम जानते हैं एम एक्स और एन वाई की वैल्यू, तो ये एक्स और ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ तो अगर हम उसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये देखो एक्स वाई इंटू एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू, है ना। हाँ तो ये हो जाएगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब वाई क्यूब, है ना, और माइनस ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और है ना ये हो जाएगा माई प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो यहाँ पर अगर देखते हो तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास बच रहा है कुछ इस 3x क्यूब y क्यूब इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना, मतलब ये जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट है। तो अगर हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो हम लोग वही कर रहे हैं, नाउ मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय 1 अपॉन 3x क्यूब y क्यूब। तो देखो ये क्या होता है, वी हैव
देखो ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वन बाय है तो ये हो जाएगा वाई एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वन बाय मतलब ये नीचे आ जाएगा इस थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स, और ये जो बाकी का है वो है एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हमारा थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बन गया अभी एग्जैक्ट, अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, जितना कटेंगे उसको काट लेंगे हम लोग, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू अपॉन थ्री एक्स डी एक्स प्लस कितना बच गया ये वन अपॉन थ्री वाई स्क्वायर इन टू एक्स माइनस वन बाय थ्री वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, मतलब ये हमारा जो इक्वेशन बना विच इज़ एग्जैक्ट। तो अगर हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन की बात करें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू बाय थ्री एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस वन बाय थ्री वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसको आप लोग आगे सॉल्व भी कर सकते हो, तो हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे पहले। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, इस टर्म को याद रखो ठीक है, ये टर्म वहाँ, तो अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो वो हो जाएगा इस माइनस वन अपॉन थ्री एक्स वाई, तो इसका इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा टू बाय थ्री, और ये वन बाय एक्स इज़ नथिंग बट लॉग एक्स, लॉग एक्स है ना, और ये हो गया माइनस वन बाय थ्री ये, और वन बाय वाई इज़ नथिंग बट लॉग वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा हो जाएगा इज वन बाय थ्री लॉग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई माइनस वन अपॉन थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया हमारा इज अ लॉग ऑफ, थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे y माइनस वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी डैश, या सी डैश को हम लोग मान लेंगे यहाँ पर थ्री सी। तो यही हो गया हमारा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने क्या किया, एक और बार रिवीजन करेंगे क्विक। अगर कोई इक्वेशन हमको इस फॉर्म में दिखता है, दिस फॉर्म इज y एफ वन एक्स वाई, ये एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में होना इक्वेशन में भी डी एक्स, और ये इस टाइप में अगर कोई इक्वेशन होता है विद द गिवन कंडीशन इज एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, तो हम लोग इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज़ करेंगे, लेकिन सर अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको एक्स वाई इज इक्वल टू सी ट्रिएट करेंगे इज अ जनरल सॉल्यूशन। देन हम लोग ने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को समझने की कोशिश की, एम मान लिए एन मान लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, मल्टीप्लाई करिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, फिर हमको वो अगर इंटीग्रेटिंग फॉर्म में आ गया तो उसको इंटीग्रेशन कर लिया, और ये हो गया हमारा विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक और मेथड के ऊपर, जो है हम रहेंगे हमारा मेथड नंबर वन टू थ्री हो गया फोर। फर्स्ट क्या देखे, इंस्पेक्शन, सेकेंड वन देखे होमोजेनियस इक्वेशन, और थर्ड टाइप देखे कुछ स्पेशल फॉर्म अगर रहता है जो कि है हमारा ये, तो हम लोग कैसा करेंगे। तो मैं एक ही वीडियो में पूरा बताने वाला था, लेकिन आप आई बटन में क्लिक करके इससे नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने बात किए हैं अगले मेथड के ऊपर। तो बस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देन अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए गुड बाय।